नमस्कार, मैं हूं अर्चित और आपका स्वागत है एक्सेस भारत में। तो चलते हैं आज की मुख्य खबर की ओर। फेसबुक ने अपना नाम बदलकर मेटा कर लिया है। कंपनी सिर्फ नाम ही नहीं बदलती बल्कि वह अपने नाम को छोटा और सरल भी बनाती है। एप्पल ने वर्ष 2007 में अपने नाम से कंप्यूटर शब्द को हटाया, जबकि 2011 में स्टारबक्स ने अपने नाम से काफी शब्द हटाया। ऐसा तब किया गया जब दोनों ही कंपनियों ने इन्हीं शब्दों की बदौलत पूरे विश्व में अपने को स्थापित किया है। हाल ही में गूगल ने अपना नाम बदला है, अब उसे अल्फाबेट के नाम से जाना जाता है। कभी शेक्सपियर ने कहा था कि नाम में क्या रखा है, लेकिन जब भी कोई कंपनी शुरू होती है तो उसके लिए नाम चुनना सबसे मुश्किल होता है। नाम चुनते समय हमें ये भी ध्यान रखना होता है कि कहीं ये नाम पहले से मौजूद तो नहीं। दिक्कत तब और ज़्यादा होती है जब एक अरबों यूजर वाली स्थापित कंपनी अपना नाम बदलती है। फेसबुक ने ऐसा ही किया है और उसने अपना नाम बदलकर मेटा कर लिया है। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल उठता है कि उसे अपना ही रिबॉन्ड करने की जरूरत क्यों पड़ी। इसके पीछे कुछ वजह हैं जिनकी हम पड़ताल करेंगे। सामाजिक धारणाएं तेजी से बदलती हैं और कंपनियां इन परिवर्तनों का पहले से ही अनुमान लगाने की कोशिश करती हैं। टोटल और फिलिप मॉरिस जैसी कंपनी द्वारा नाम बदले जाने के पीछे सामाजिक दबाव ही प्रमुख वजह थी। टोटल से टोटल एनर्जीज किए जाने के पीछे यही तर्क था कि अब कंपनी सिर्फ तेल और गैस का ही नहीं बल्कि अच्छे ऊर्जा का भी कारोबार करती है। नाम बदलकर कंपनी ने अपने कामकाज में परिवर्तन का संकेत दिया है। कुछ मामलों में कंपनियों द्वारा अपना नाम बदलने की वजह से और छोटी होती है। GMC, जनरल मोटर्स एक्सपेंस कॉर्पोरेशन सब प्राइमरी लैंडिंग और अमेरिका सरकारी द्वारा किए गए बेल आउट पैकेज से अपने को जोड़ना नहीं चाहती थी। इस कंपनी को अब क्लीन स्लेट के नाम से जाना जाता है। वित्तीय सेवा देने वाली इस कंपनी ने वर्ष 2010 में अपनी सब्सिडियरी कंपनियों के साथ अपने को दोबारा रिबॉन्ड कराया है। ग्राहकों का दोबारा विश्वास जीतने की कोशिश भी करी है। घोटालों, गुणवत्ता में गिरावट और दूसरे कारणों के चलते ब्रांड समय के साथ अलोकप्रिय हो जाते हैं। जब ऐसा होता है तो कंपनी नाम बदलकर एक बार फिर से ग्राहकों का विश्वास जीतने की कोशिश करती है। कंपनी उस समय भी नाम बदलने का फैसला लेती है जब उन्हें लगता है कि वर्तमान नाम उनके कामकाज को ठीक तरह से परिभाषित नहीं करता है। ऐसे में अहम सवाल तो ये है कि आखिर फेसबुक ने अपना नाम क्यों बदला है। हाल ही में व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक की सेवा बंद होने, घोटालों और नकारात्मक खबरों के चलते कंपनी की छवि खराब हो रही थी। सबसे खास बात यह थी कि इन सभी चीजों को मार्क जुकरबर्ग से जोड़कर देखा जा रहा था। जुकरबर्ग को कभी सिलिकॉन वैली का सबसे अच्छा CEO माना जाता था, लेकिन अब उनकी रैंकिंग काफी गिर गई है। इसके अलावा कंपनी मानती है कि प्राइवेसी के मुद्दे ने उसके राजस्व को प्रभावित किया है। कंपनी का विज्ञापन मॉडल लगातार जांच के दायरे में आ रहा है। साथ ही कंपनी मेटावर्स के निर्माण पर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहती है। उसने पहली बार 2014 में अपनी महत्वाकांक्षाओं का संकेत दिया था जब उसने वर्चुअल रियलिटी हेडसेट निर्माता ओकुलस का अधिग्रहण किया था। कर्मचारियों का ये बड़ा हिस्सा पहले से ही मेटावर्स अवधारणा का वास्तविक बनाने में काम कर रहा है और अगले 5 वर्षों में यूरोप में 10,000 और लोगों को नियुक्त करने की योजना है। मेटावर्स शब्द का इस्तेमाल डिजिटल दुनिया में वर्चुअल और इंटरेक्टिव स्पेस को समझाने के लिए किया जाता है। मेटावर्स दरअसल एक वर्चुअल दुनिया है जहां एक आदमी शारीरिक तौर पर मौजूद नहीं होते हुए भी मौजूद रह सकता है। फेसबुक द्वारा नाम बदलने के बाद भी वे मुद्दे उसका पीछा नहीं छोड़ेंगे जिनसे वे जूझ रही है। वैश्विक बाजार अनुसंधान कंपनी फॉरेस्टर के वॉइस प्रेसिडेंट और रिसर्च डायरेक्टर ने कहा है कि अगर नई कंपनी उठाए गए मुद्दों को गंभीरता से नहीं लेगी तो उसकी छवि और खराब हो सकती है। आज हम जिन लोकप्रिय डिजिटल सेवाओं का उपयोग करते हैं उनमें से कई कंपनियों का शुरुआत में नाम बिल्कुल अलग था। गूगल को बैकरप, इंस्टाग्राम को बार्बन के तौर पर जाना जाता था। ट्विटर के वर्तमान में ई अक्षर बाद में लगाया गया है। WWF के नाम को लेकर लड़ाई बहुत दिलचस्प है। 1994 में वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड और वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन के बीच एक समझौता हुआ कि वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन इस नाम का उपयोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नहीं करेगी। हालांकि बाद में यह समझौता तब टूट गया जब कुश्ती कंपनी ने WWF.com का पंजीकरण करा लिया था। हालांकि बाद में मुकदमा हारने के बाद उसने अपना नाम बदलकर WWE वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट कर लिया था। फेसबुक द्वारा नाम बदलने का सबसे ज्यादा फायदा मेटा मटेरियल्स नाम की कंपनी को मिला है। शुक्रवार को नैसडेक में उसका शेयर 6% ऊपर खुला है। एक घंटे बाद इसमें 26% की तेजी देखी गई है। हालांकि फेसबुक के शेयर में मात्र 1.6% की तेजी दिखी थी। बता दें कि जो इंटरनेट मीडिया और रेडिट का उपयोग करते हैं उनके बीच मेटा मटेरियल्स पहले से ही लोकप्रिय है।
देखते रहिए खास रिपोर्ट सिर्फ ई भारत पर।